हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे चना दाल और कैरी की चटनी। ये अच्छे से जल्दी 10 मिनट में बन जाती है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो चलिए, सबसे पहले हम बनाएंगे एक मिक्सी का बाउल लेंगे, उसमें ये चना दाल, ये हमने रात में भिगो के रखी थी और अच्छे से धो के सुखा ली है। अब ये हम मिक्सी के बाउल में डालेंगे, उसमें हम एक हरी मिर्च डालेंगे, दो लहसुन की कलियां डालेंगे और उसे हम मिक्सी में पीस लेंगे। अब देखिए, मिक्सी में हमने इसे बारीक पीस लिया है और हमें इसमें थोड़ा भी पानी मिलाना नहीं है, बहुत ही बारीक पीसना है। तो चलिए, ये देखिए, ये हमने बारीक पीस लिए है। अब हम इसमें ये करी का किस करके ग्रेट करके रखा है ये डालेंगे, और अच्छे से मिक्स करेंगे। ये अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने एक कटोरी चना दाल को, एक कटोरी करी का क्रश किया हुआ लिया है। अब ये देखिए, ये थोड़े मिक्स कर लिए। अब हम इसे तड़का लगाएंगे। अब तड़का लगाने के लिए सबसे पहले गैस ऑन करेंगे। एक बर्तन रखेंगे तड़का लगाने के लिए और उसे अच्छे से गर्म कर लेंगे। थोड़ा पहले पैन गरम कर लेंगे। अब उसमें थोड़ा ऑयल डालेंगे, उसे अच्छे से गरम कर लेंगे ऑयल को। राई डालेंगे, थोड़ी राई को तड़कने देंगे। राई अच्छे से देखिए तड़कने लगी है। अब हम गैस को बंद कर देंगे। अब हम उसे थोड़ा सा जीरा डालेंगे और उसमें कड़ी पत्ता डालेंगे। अब देखिए, ये कड़ी पत्ता हो गया है। ये तड़का हम हमारे चटनी में डालेंगे। अब हम इसमें थोड़ा नमक ऐड करेंगे अपने स्वादानुसार, अपने को कम या ज्यादा लगता है तो वैसे हम ऐड करेंगे और अच्छे से इसे मिक्स करेंगे। देखिए, अच्छे से थोड़ा
मिक्स करेंगे। ये हमारी चटनी रेडी है, चना दाल और करी की चटनी। ये झटपट 10 मिनट में हो जाती और सबको अच्छी लगती है। तो ये देखिए, ये हमारी करी की चटनी रेडी है। फ्रेंड्स, थैंक यू।